तो भाई लोग पिछले दोनों एपिसोड में आपने देखा कि रमेश की कोई हत्या कर देता है, वो यमुना पहुंच जाता है, वहाँ स्वर्ग में जाने के लिए लड़ाई हो रही होती है, सभी को नरक मिल लिया होता है, पर अपने रमेश भाई को स्वर्ग का कर्मचारी एंटी देने से मना कर देता है और चित्तक जी से जाकर मिलने की सलाह देता है। अंदर 13वें माह समाज के लिए लोग लड़ाई कर रहे होते हैं। अब इस वीडियो में पता चलेगा कि रमेश की हत्या किसने और क्यों की। और हमारे लिए वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलना। और अब आगे देखिए। स्वर्ग जाएंगे। साले मिल रहा है तुझे स्वर्ग, अभी पहले राउंड में खोलते दिल्ली कड़ाई तला जाएगा। बाकी सब स्वर्ग के लिए लेफ्ट लेके राइट और नरक वाले लेफ्ट लेके सीधा जहन्नम। लेफ्ट ले लेना। मेरी खड़िया आई क्या? चादर से चक्कर काट रहा हूँ। नहीं, तुम्हारी खड़िया नहीं आई अभी तक। रियाई कैसे नहीं है? हमारा पड़ोसी बुद्धि आज ही मर के आया है, वो बता रहा था मेरे घर वालों ने खड़िया दान कर दी है। दान करी होती तो आई नहीं होती। हम क्या झूठ बोल रहे हैं? हमें कैसे पता चलेगा आई की कहाँ गई, कि गायब कर दी गई हमारी खटिया? यहाँ भी भ्रष्टाचार स्कैम चल रहा है। अरे तो क्या हम लेट रहे हैं तुम्हारी खटिया पे? अरे मार लो तुम्हारी खटिया, मार के बड़े आदमी बन जाओ तुम। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अरे सिस्टम ऑनलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन में पासवर्ड ट्रैक करना मुश्किल है। भैया हमारी तकिया आ गई क्या? अरे बता रहे तुम्हारी तकिया खोपड़ी आ गई, बैठ जाओ हमारी तकिया लगाए सोएंगे नवाब साहब। चित्रगुप्त जी किधर मिलेंगे? सीधा जाके राइट फर्स्ट रूम। चित्रगुप्त जी आप मुझे गलत उठा लाए। अरे भाई कौन हो तुम? मैं रमेश। कौन रमेश रे बाबा, मैं किसी रमेश को नहीं जानता। अरे रमेश जिसको आपके कहने पे आज दोपहर मार दिया गया। ओ तो तुम वो रमेश हो जो अभी हमारे कुमार एंथनी से किटकिट कर रहे थे। सूचना प्राप्त हुई मुझे तुम्हारी तो हत्या हुई है ना? हाँ। अरे भाई तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया था, तुम्हारी मृत्यु बिल्कुल ठीक समय पर हुई है। नहीं, मुझे गलत उठा के लाया गया, मुझे भी और जीना था, मेरी कुंडली में लिखा है। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे ऐसा हुआ है, आपने मुझे गलत टाइम पे मार दिया है, अभी मेरे मरने का टाइम नहीं था। बेटा इस बही खाते में एक एक सेकेंड का हिसाब होता है। जो मरते टाइम आखिर में तूने 4 हिचकियां ली थी वो भी मैंने लेने दी, क्योंकि 10 सेकेंड तेरे बाकी थे। अरे आपका ये बही खाता सब गलत है, ये बूढ़े हो गए हो तुम, गलत सलत चढ़ा रहे हो सब इसमें, अभी अभी मेरे मरने 50 साल बाकी थे। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे ऐसा हुआ है, मैं यमराज जी से शिकायत करूंगा। अरे मरवाई का क्या इधर आ, क्यों आग में हाथ डाल रहा है? खुद भी भस्म होगा, मुझे भी भस्म करवाएगा, यमराज जी को क्यों तकलीफ दे रहा है? अगर कुछ त्रुटि हुई है तो यहीं पर निपटा लेती, अगर यमराज जी को पता चल गया तो मुझे निपटा देंगे। भाई तू रुक, एक बार मैं फिर से दृष्टि डाल लेता हूँ। नहीं भाई तेरा टाइम बिल्कुल सही था, कोई त्रुटि नहीं हुई है। अरे गलती कैसे नहीं हुई है? मैं यमराज जी से शिकायत करूंगा। यमराज जी। अरे बड़ा उपद्रवी बालक है। यमराज जी कौन तो साहसी है जो कोलाहल कर रहा है? यमराज जी धृष्टता के लिए क्षमा करें, पर चित्रगुप्त जी से गलती हुई है, इन्होंने आपको गलत निर्देश दिया मुझे मानने के लिए। क्या चित्रगुप्त ये मानव क्या बोल रहा है? अरे प्रभु ऐसा कुछ नहीं है, मर के इसका दिमाग फिर गया है, ये पागल हो गया है। नहीं यमराज जी, मैं पागल वागल नहीं हुआ हूँ, अभी मेरे जीवन का 50 साल बाकी थे, मुझे खामा खा मार डाला, चित्रगुप्त जी ने आपको गलत निर्देश दिया है। यहाँ खामा खा कोई नहीं मारा जाता। अरे मैं मरा हूँ खामा खा? चित्रगुप्त। अरे प्रभु मैंने बिल्कुल सही निर्देश दिया था, इसकी मृत्यु 4 जनवरी दोपहर के 2:30 बजे छुरा मार के होनी थी। प्रभु क्षमा करें, इसको अपनी मृत्यु के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए मैंने इसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाने के लिए कहा था, ये बोला उसमें 4-5 दिन लगेंगे, तो 4-5 दिन में रहूंगा कहाँ। सुनो मानव, तुम्हारी मृत्यु प्राकृतिक नहीं बल्कि तुम्हारी हत्या की गई थी, इसलिए तुम्हें जानने का पूरा अधिकार है कि तुम्हारी हत्या किसने और क्यों की। तुम्हारी हत्या की है तुम्हारे घनिष्ठ मित्र अर्जुन ने। उस दिन तुम्हारे घर पर कोई नहीं था, उसने तुम्हारे शव को उठाकर वन में फेंक दिया। तुम्हारी हत्या करने से पहले उसने प्लास्टिक शल्य चिकित्सा करवा ली थी और तुम्हारा रूप धारण कर लिया था। अब वो तुम्हारे परिवार के साथ ही रह रहा है, तुम्हारे परिवार को ज्ञात भी नहीं है कि तुम्हारी हत्या हो गई है। तुम जाओ पृथ्वी लोक पर, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करता हूँ कि तुम अपने हत्यारे मित्र के
वो तुम्हें देख पाएंगे। धन्यवाद प्रभु। और सुनो, उसे सबक सिखा के आना, मित्रता में छल का कोई स्थान नहीं है। जी प्रभु। जैसा बेटा बड़े नसीब वाले माँ बाप को मिलता है। माँ? हाँ रमेश की अम्मा, हमारा रमेश लाखों में एक है। ऐसी औलाद बड़े नसीबों से मिलती है। बाबूजी, माँ। बंटी, मेरा बेटा। पापा। हाँ बेटा। इधर आओ, मेरा एक ही सवाल नहीं हो रहा है। अच्छा, आ रहे हैं अभी। सुमन, तुम मेरे साथ खुश हो? यही अभी पूछने की बात है, तुम दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हो। अच्छा, मान लो अगर तुम्हारी शादी मुझसे नहीं हुई होती तो। ए जी, आज तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, अगर नहीं हुई होती तो। ये काश थी हम ही तोड़ गे तो अगर तेरा साथ ना छोड़ गे। माँ, ये मेरा दोस्त है अर्जुन। झुक झुक जिए बेटा। अर्जुन। सुमन, ये मेरे दोस्त है सुमन। सुमन ही रमेश है, मेरा दोस्त। अर्जुन धोखेबाज, मैंने तुझे अपने दिल में जगह दी और तूने मेरे पीठ में छुरा भोंका। तूने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? क्यों? नफरत करता हूँ तुझसे। मैं कॉलेज में सुमन से दिलो जान से प्यार करता था,
मैंने मिलवाया तुझसे सुमन से ताकि तू उससे मेरे दिल की बात कह सके। और तूने क्या किया, तूने खुद उसे प्रपोज कर दिया और वो तेरी हो गई। और मैं तड़पता रह गया। इस दुनिया में अगर मैं किसी से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ तो मैं तुझसे करता हूँ, तुझसे। हाँ, मैंने मारा तुझे और तेरी लाश को जंगली जानवरों के बीच में फेंक दिया ताकि वो तुझे नोच नोच के खा सके। हाँ, मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई ताकि मैं सुमन को पा सकूं। तूने कब बोला कि तू सुमन से प्यार करता है? मेरी माँ तुझे अपना बेटा मानती थी साले। तूने मेरा खून नहीं किया, तूने दोस्ती को उस भरोसे का खून किया है जिसके लिए दोस्त अपनी हथेली पर जान लिए फरते हैं। मैं तुझे ऐसी भयानक मौत मारूंगा कि आने वाली नस्लें अपने दोस्त को धोखा देने से पहले 100 बार सोचेंगी। मैं मर के भी तुझसे नफरत करूंगा। माँ, सुमन, रमेश, ये क्या हो गया तुझे? पापा, मेरा बच्चा। रमेश, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? मुझे माफ कर देना सुमन, बाबूजी मुझे माफ कर देना। बेटा रमेश, इस जीवन में मैं आप लोगों का साथ आखिर तक नहीं निभा पाया, पर अगले जन्म में मैं तेरा ही बेटा बनूंगा। माँ, सुमन तुम्हारा मेरा 7 जन्मों का नाता है, मैं अगले जन्म का इंतजार करूंगा। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना, पापा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए। अब मुझे जाना होगा, माँ बाबूजी और बंटी का ख्याल रखना सुमन। रमेश बेटा, बेटा रमेश, शांत है, शांत।